हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा पावर के बारे में। यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सरकार की तरफ से ही बहुत बड़ा यहाँ पे फैसला लिया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल नज़र आता है टाटा पावर के लिए। और चांसेस अब यहाँ से बहुत हद तक निकल के आ रहे हैं कि ये शेयर आपको बहुत ही जल्दी अच्छे खासे रिटर्न दिखा सकता है। कुछ मेजर अपडेट्स मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाला हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। कुछ टारगेट्स हैं जो कि आप यहां से देख के चल सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए, और लॉन्ग टर्म के लिए इस पर्टिकुलर स्टॉक का क्या स्कोप नजर आता है, ये सारी चीजें भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर बात करें आज के कारोबार के बारे में। तो आज आपको यहां पर टाटा पावर में 4.82% का उछाल देखने को मिला। कम यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 5% के आसपास का उछाल आपको टोटली देखा जाए तो देखने को मिला है। 227 के आसपास आपको यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली है। आज के दिन में करीबन 10.5 रुपये का मूवमेंट आपको देखने को मिला है, जो कि एक बहुत ज़्यादा बेहतरीन बात निकल के आती है इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए और उनके स्टॉक होल्डर के लिए जिन्होंने भी ऑलरेडी इसमें पोजिशन बनाई हुई है। ओवरऑल अगर हम यहाँ पे क्वांटिटी ट्रेडेड के बारे में बात करें, NSE का डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम आपको काफ़ी ठीक ठाक सा नज़र आ रहा है, लेकिन वॉल्यूम में अगर आप डिलीवरी परसेंटेज देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा नहीं नज़र आ रहा। ओवरऑल अगर हम देखें तो कल के सिनेरियो बहुत ज़्यादा यहाँ पे वॉल्यूम देखने को मिला था, करीबन 23 करोड़ के आसपास। आज उसके कंपेरिजन में काफ़ी कम नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे इसके रिटर्न्स के बारे में बात करें, केवल एक साल के अंदर इस पर्टिकुलर स्टॉक ने 220% के रिटर्न बना के दे दिया अपने शेयर होल्डर्स को। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे इसका स्कोप नज़र आता है। अब यहाँ से अगर आप देखोगे 29 अक्टूबर 2021 के बारे में बात करें तो 214 के आसपास ये ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा था। आज है 1 दिसंबर, तो ये आपको आज यहाँ पे 227 के आसपास ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है। तो डेफिनेटली अगर हम यहाँ से देखें तो एक बड़ा स्कोप नज़र आता है, वो मैं आपको एक एक करके अब जो अपडेट्स निकल के आ रही हैं उसके थ्रू बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखोगे बहुत ही ज़्यादा भयंकर डील देखने को मिली है, बल्क डील देखने को मिल रही है इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में, जिसमें आपको टाटा पावर का भी नाम देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखने को मिल रहा है ओवर 2 dozen कंपनीज सी शेयर चेंज हैंड्स ऑन NSE BSE, जिसमें अगर आप देखोगे जोमेटो, गो फैशन, टाटा पावर, गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसे शेयर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, जिसमें आपको बल्क डील देखने को मिल रही है। एक भारी अमाउंट में खरीदारी आपको देखने को मिल रही है। अगर आज स्टॉक मार्केट में आपने थोड़ा बहुत भी ट्रैक किया होगा तो आपको देखने को मिला है मार्केट में भयंकर खरीदारी देखने को मिली है, तो आपको इन स्टॉक्स में और ज़्यादा खरीदारी देखने को मिली है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे एक चांसेस बनते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक के अच्छे खासे मूवमेंट दिखाने के आने वाले कुछ ही टाइम के अंदर अंदर। वहीं एक अपडेट निकल के आ रही है, वो मैं आपको बताता हूँ। गवर्नमेंट टारगेट टू अचीव 175 GW ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाई 2022। यानी कि आपको पता ही है कि जो इंडिया का फोकस है अब वो आपको रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जीज, इन सारी चीज़ों पर आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ से जो टारगेट लिया गया है 2030 तक का जीरो कार्बन एमिशन कंट्री बनाने का, जिसमें सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले करने वाले हैं रिन्यूएबल एनर्जी। तो डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर चीज़ का अगर हम यहाँ पर देखें तो टारगेट लिया गया है 175 GW रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी तक लाने का, वो भी 2022 तक। अगर हम अभी का यहाँ पर टोटल देख पाएँ तो वो 150 यानी कि 150 GW रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुकी है आज की डेट तक। लेकिन अगर हम एक साल के अंदर अंदर देखें तो 175 GW का टारगेट यहाँ पे लिया गया है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मेजर कंपनीज पे इम्पैक्ट पड़ते हुए नज़र आ सकता है। उनमें काफ़ी भयंकर रेवेन्यू इंक्रीज हो सकता है और डेफिनेटली उनके शेयर प्राइस में एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है। तो मैं यहाँ से हमेशा आपको यही सजेस्ट करूँ पावर सेक्टर में एंट्री लेने का,
रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में आपको एंट्री लेने का बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है आने वाले कुछ ही टाइम के अंदर अंदर। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो इन्फॉर्मेशन है वो यूनियन मिनिस्टर फॉर पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से दिया गया है, आर के सिंह जिन्होंने ये राज्यसभा में बोला है। तो ओवरऑल ये बहुत बड़ी अपडेट है जो कि यहाँ पे निकल के आ रही है। चांसेस बहुत हद तक हैं कि ये काफ़ी अच्छा खासा मूवमेंट इस पर्टिकुलर स्टॉक में दिखा दे। जैसा कि आपको यहाँ पर थंबनेल में देखने को मिलेगा, आने वाले दो दिन बहुत ज़्यादा इसके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, वो मैंने आपको बताया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कुछ मीटिंग्स होने वाली हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैसले लिए जा सकते हैं जो कि यहाँ से एक मेजर रोल प्ले करने वाली हैं टाटा पावर के लिए। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मिराई एसेट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट से आज अगर आप देखो तो 1 दिसंबर को मीटिंग है, जिसका रिजल्ट्स मैं आपको कल वीडियो के थ्रू बता दूंगा। अगर कोई मेजर इन्वेस्टमेंट का यहाँ से प्लान निकल के आता है तो फिर मैं आपको वीडियो के थ्रू अपडेट कर दूंगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे गोल्डमैन सैक्स एसेट मैनेजमेंट के साथ आपको कल यहाँ पे मीटिंग देखने को मिलने वाली है। तो डेफिनेटली अगर आप यहाँ पर देखोगे मेजर स्केल पर इन्वेस्टमेंट प्लान किया जा रहा है, जिसके थ्रू अगर आप यहां पर देखो आने वाले टाइम में आपको एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिल सकता है। वहीं MSCI इंडेक्स में भी इस पर्टिकुलर स्टॉक का नाम निकल के आ रहा था, उसमें अगर यहाँ पे फाइनल लिस्ट सामने आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। उसके थ्रू अगर आप देखो एक मेजर इन्वेस्टमेंट टाटा पावर में देखने को मिल सकता है करीबन $240 मिलियन, जो कि एक बहुत बड़ी रकम निकल के आती है। इतने का इन्फ्लो आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिल सकता है, जहाँ से चांसेस निकल के आते हैं कि ये स्टॉक आपको एक मेजर इम्प्रूवमेंट दिखा सकता है आने वाले टाइम में। वहीं अगर हम बात करें ओवरऑल सिनेरियो के बारे में, तो यहाँ से टाटा पावर की तरफ से एक नोटिस दिया गया था जिसमें आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है इंडियाज लार्जेस्ट सोलर एंड बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट अवार्डेड टू टाटा पावर सोलर ऑफ INR 945 करोड़, यानी कि इंडिया का सबसे बड़ा सोलर और बैटरी स्टोरेज प्रोडक्ट टाटा पावर को दिया गया है, जिसमें अगर आप देखोगे करीबन ये प्रोजेक्ट निकल के आता है 945 करोड़ के आसपास। एक बहुत बड़ा यहाँ पे ये प्रोजेक्ट है वो आपको टाटा पावर को मिलते हुए देखने को मिल रहा है। डेफिनेटली ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ एक टाइम पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेंगी, और ये जो शेयर आपको 230 के आसपास नज़र आ रहा है बहुत ही जल्दी आपको 450 से 500 रुपये का टारगेट अचीव करते हुए नज़र आ सकता है। एक और मेजर अपडेट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ग्रीन पावर मोनेटाइजेशन ऑन कार्ड्स टाटा पावर CEO, यानी कि कंपनी यहाँ से प्लान कर रही है अपने जो भी रिन्यूएबल एसेट्स हैं उनको ट्रांसफर करने के लिए अपने इन्वेस्टेड को। वहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स नज़र आएंगे यहाँ पे। डेफिनेटली जो कंपनी अपने एसेट्स को अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रही है उसको इन्वेस्टर्स को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, और वो लोग इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए कंपनी को बहुत बड़ा रेवेन्यू देंगे, बहुत बड़ा पैसा यहाँ पे आपको मिलते हुए नज़र आएगा टाटा पावर को। डेफिनेटली ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई एक इम्पैक्ट क्रिएट करेंगी। आप अभी से हर एक गिरावट में इसको आप एक्यूमुलेट कर सकते हो, आने वाले टाइम में आपको कम से कम 6 से 1 साल के बीच में ये शेयर आपको इतना ज़्यादा रिटर्न्स दिखा देगा कि आपको यहाँ पे अपने डिसीजन पे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा। बाकी शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस करें या फिर अपनी रिसर्च जरूर करें। आई होप आपको वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।